वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आई एम बैक विद अनदर हॉल वीडियो एंड इट्स गोइंग टू बी मिंत्रा स्कर्ट्स हॉल अंडर 450 रुपीज। सो मेरे पास 5 स्कर्ट्स है जो मैंने मिंत्रा से ऑर्डर किए हैं एंड काफी क्यूट ऑर्डर किए हैं मैंने, तो मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगी। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो सबसे पहला स्कर्ट है वो ये है, ब्लैक कलर का स्कर्ट, मिनी स्कर्ट एंड ये पूरा ही स्कर्ट ब्लैक कलर का है। इसके ऊपर रेड कलर के चेरीज प्रिंटेड है एंड ये बहुत ही प्यारा आया है। ये मुझे 284 रुपीज में पड़ा, मैंने साइज 28 में मंगाया एंड इसमें 28 से 34 तक साइज अवेलेबल है। और भी अलग अलग तरीके के स्कर्ट्स इस जिस सेलर से मैंने मंगाया वहां पे अवेलेबल है। रिव्यूज काफी अच्छे थे, बहुत ही प्यारा दिख रहा है एंड ये बहुत ही सॉफ्ट है। इसका जो फैब्रिक है वो पॉलिएस्टर है। यहाँ पे इन्होंने ना पीछे चेन भी दे के रखा है, मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ। सो इन्होंने इतना बड़ा चेन दे के रखा है, यहाँ पे इन्होंने छोटा सा कट दे के रखा है एंड ये मैं आपको जरूर पहन के दिखाने वाली हूँ। तो मैं इसे 10 out of 10 दूंगी एंड इसे जरूर रिकमेंड करूंगी। सेकेंड प्रोडक्ट है वो है ये बहुत ही प्यारा सा मिनी ब्लू स्कर्ट्स एंड ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी में आया है। ये मुझे 339 रुपीज में पड़ा है एंड ये भी मैंने साइज 28 में ही मंगाया है। इसका फैब्रिक भी पॉलिएस्टर है एंड इसमें भी और साइजेस अवेलेबल है, क्वालिटी काफी अच्छी थी। तो ये शॉर्ट्स टाइप रहते हैं एंड यहाँ पे से इन्होंने ना ऐसे बांधने के लिए दे दिया है, सो इट विल लुक लाइक दिस एंड इट्स वेरी प्रिटी, ट्रस्ट मी। बहुत लाइट वेटेड है, स्ट्रीचिंग तो बहुत ही अच्छी है, मिंत्रा की मुझे बहुत अच्छी लगती है क्वालिटी कपड़ों की। मैं इससे 10 out of 10 दूंगी एंड इसे भी जरूर रिकमेंड करूंगी। कलर का स्कर्ट्स एंड ये मुझे 284 रुपीज में पड़ा है एंड बाकी सारे इन्फॉर्मेशन सेम ही है, लाइक 28 साइज में मंगाया है मैंने एंड इसका भी फैब्रिक पॉलिएस्टर, लाइक सबकी क्वालिटी मुझे सेम ही लग रही है, क्वालिटी अच्छी है, स्टिचिंग अच्छी है एंड ये भी स्कर्ट्स है। यहाँ पे इन्होंने ना पेंट जैसा दिया है एंड यहाँ पे ये बांधने के लिए दिया है एंड दिस विल लुक लाइक दिस। बहुत ही अच्छा फ्रिल्स भी दिए हैं इसमें एंड बहुत ही अच्छी लग रही है। इसकी जो प्रिंटिंग है ये व्हाइट कलर की है, मुझे फोटो से लगा था ये पिंक कलर का है बट अभी मैं देख रही हूँ तो ये लेवेंडर कलर का निकला। ये भी बहुत क्यूट दिख रहा है, बहुत एस्थेटिक लग रहा है एंड दिस इज लाइक अमेजिंग, बहुत ही प्यारा सा आया है ये। तो मैं इसको 10 out of 10 दूंगी एंड इसको भी जरूर रिकमेंड करूंगी। रेड कलर का मिनी स्कर्ट एंड ये मुझे 325 रुपीज में पड़ा है, 28 साइज, पॉलिएस्टर फैब्रिक एंड बहुत ही अच्छी क्वालिटी में आया है, लाइक मिंत्रा के मुझे हमेशा से बहुत अच्छे लगते हैं। सो इसमें भी एक और कलर अवेलेबल है, आई गेस ब्लू कलर में अवेलेबल है। सो ये मैंने रेड में मंगाया था बिकॉज रेड में मेरे पास ऐसा कोई स्पेशली कोई स्कर्ट नहीं था, तो आई वाज लाइक कि आई वांट टू ट्राई रेड। सो ये जो रेड कलर का स्कर्ट है इसमें पूरा ही फ्लोरल प्रिंटिंग दिया है, लाइक फ्लावर के पूरे प्रिंट्स दिए हैं एंड काफी अच्छी क्वालिटी है प्रिंट की, स्टिचिंग काफी अच्छी है एंड यहाँ पे इन्होंने ये जिप दिया है। इसमें जो सबसे खास बात है, लाइक यहाँ पे ये ऐसा दिख रहा है एंड पीछे से कुछ ऐसा दिख रहा है बट जब आप पहनेंगे तब आप यहाँ से ऐसे ये पुल कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको दिखा दिया कि ये ऐसा कुछ दिखेगा, मैंने सिर्फ इस साइड का किया है, इस साइड का नहीं किया है। सो ये कुछ ऐसा दिखने वाला है, बहुत लाइट वेटेड है, बहुत सॉफ्ट है ये, तो मैं इसे जरूर रिकमेंड करूंगी। बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, मैं बताना भूल गई कि जितने भी स्कर्ट्स है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है, बहुत अच्छी क्वालिटी में आए हैं। तो इस स्कर्ट को भी मैं 10 out of 10 दूंगी एंड इसे भी जरूर रिकमेंड करूंगी। मिनी स्कर्ट एंड ये मुझे 432 रुपीज में पड़ा है एंड ये भी मैंने साइज 28 में ही मंगाया एंड इसका जो फैब्रिक है वो भी पॉलिएस्टर ही है, लाइक सारे इन्फॉर्मेशन सेम है। इसमें एक और कलर अवेलेबल था ग्रे कलर का, तो ये है वो स्कर्ट एंड ये नजदीक से आप देख लीजिए। तो यहाँ पे इन्होंने ना ये 3 बटन्स दिए हैं एंड आई लव द शेप ऑफ बटन्स, लाइक बहुत ही क्यूट शेप में ये बटन्स है,
बहुत ही अच्छे हैं, बट ये जो बटन्स है वो थोड़े लाइक ऐसा लग रहा है ना कि पुराने लाइक घिस चुके हैं थोड़े से। स्कर्ट की क्वालिटी है काफी ज्यादा अच्छी है, मुझे बहुत ही अच्छी लगी। एंड यहाँ पे अगेन इन्होंने एक जिप दिया है जो मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। खोल के नहीं दिए यार, ये है वो जिप। एंड मैंने इसमें एक और चीज नोटिस की कि अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे धागे उगे निकले हुए हैं। सो मुझे जितना ये स्कर्ट पसंद आया था अब मुझे उतना ही नहीं पसंद आ रहा है। मैं इसको 7/10 दूंगी एंड आई विल नॉट रिकमेंड दिस स्कर्ट बिकॉज इसकी जो हालत है उस हिसाब से मैं आपको ये स्कर्ट रिकमेंड नहीं करूंगी। बट स्टिल मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, तो डू चेक आउट। I hope you all enjoy this video, and if you enjoyed this video then don't forget to like, share, comment and subscribe. You can also follow me on Instagram and press the bell icon for further notification. And agar aapne mere pehle ke videos nahi dekhe to wo bhi dekh lijiye. Ye sare products ke link main aapko description box mein de dungi, so do check out. And aaj ke liye bas itna hi. Bye bye guys, I love you. Sarange.